हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोभित अग्रवाल फ्रॉम शुभ एकेडमी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर टाउन बुढ़ाना। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर ग्रेट। आज का लेक्चर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से रिलेटेड है। टेनिसन एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, वन ऑफ द फेमस राइटर, इवन रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ विक्टोरियन एरा। तो विक्टोरियन एज के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव राइटर जो रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रहे हैं। तो उनकी कुछ बेसिकली आज मैं पोएम लेकर आया हूँ जो आपको डिटेल में पढ़नी है। वैसे तो टेनिसन ने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हुई हैं और उन्होंने कुछ ड्रामा भी लिखे हुए हैं, लेकिन एज ए ड्रामेटिस्ट ही वॉज कम्प्लीटली फेलियर। एक ड्रामेटिस्ट के रूप में वे ज़्यादा अच्छे सफल साबित नहीं हुए थे। तो एज ए पोइटिक राइटर ही वॉज ब्रिलियंट। He was one of the pioneer writer of Victorian era. तो उनके कुछ famous works रहे हैं। आपको TGT, PGT, LT great, TGT में तो सिर्फ आपको उनका टाइटल ही याद रखना है, जो आपने BAM में पढ़ी हुई है पोएम, कुछ बेसिक पोएम। लेकिन आप अगर लेक्चरर की, GIC लेक्चरर की या जूनियर एडिट अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, NVS, KVS अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी कुछ पोएम्स हैं आपको जिनकी डिटेल में स्टडी करनी होगी। तो उन पोएम्स की सीरीज आज मैं लेकर आया हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी आपको पोएम पढ़नी है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन आल्सो, सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। सो सबसे पहली जो पोएम है टेनिसन की जो हमें पढ़नी है वो है ब्रेक। ये बहुत ही फेमस पोएम है। इन्होंने अपने फ्रेंड्स, अर्थर हेलम इनका एक फ्रेंड था जो कि मर गया था, उनके ऊपर इन्होंने एक पेस्टोरल एलिजी भी लिखी है, मेमोरियम, तो वो भी हम आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ब्रेक 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 बहुत ही फेमस एक लिरिक है, इसे आपको पढ़ना है। इसकी डिटेल आपको पूरी पढ़नी है। Ulysses एक बहुत ही फेमस वर्क है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, ये जो लाइन है इसकी बहुत ही अच्छी लाइन है। तो Ulysses आपको कंप्लीट पढ़नी है। Ulysses इनका एक बहुत ही अच्छा वर्क है। Ulysses में ये अपने आप को एक तरीके से ऐसा दिखाते हैं कि वो कभी भी, जो उनकी स्पिरिट है वो कभी भी नहीं मरेगी, और समय के साथ साथ जो उनकी भूख थी एडवेंचर की वो बढ़ती जाती थी। तो Ulysses जो थी वो एक्टिव पार्ट को सजेस्ट करती है। इसका एक अपोजिट वर्क है लोटस ईटर, जो कि हमें लेथार्जिक, जो हमें डाउन स्प्रिट या जो आलस्य को हमें सजेस्ट करती थी, लोटस ईटर वो वर्क था। लेकिन Ulysses जो था ये अपने आप को एक्टिव पार्ट के रूप में दिखाता है। तो Ulysses आपको डिटेल में पढ़नी है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये लोटस ईटर बहुत ही फेमस वर्क है इनका। लोटस ईटर 2016 के एग्ज़ाम में इसमें से जो स्टार्टिंग की इनकी लाइन थी वो आई भी थी। तो लोटस ईटर आपको ज़रूर पढ़ना है। Ulysses और लोटस ईटर, देखिए दोनों में ही जो मेन कैरेक्टर है वो Ulysses ही है, लेकिन इस वाले वर्क में तो दिखाता है कि हमें कभी भी थकना नहीं चाहिए, हमें हमेशा अपनी जो स्पिरिट है उसे बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन जो लोटस ईटर है इसमें जब वो थक जाता है, Ulysses जब कार्य करता करता थक जाता है, तो उस समय वो कहता है कि अब हमें आराम भी करना चाहिए। तो दोनों वर्क जो हैं एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों ही वर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोटस ईटर, Ulysses, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये वर्क आपको डिटेल में पढ़ना है। मॉर्टेड ऑथर, या फिर इसे पॉसिंग ऑथर भी कहते हैं, एक बहुत ही फेमस लाइन है इसमें, अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग। तो ये जो वर्क है ये आपको पढ़ना है डिटेल में। इंटर क्लास में पॉसिंग ऑथर के नाम से बुक है, वो इसी का ही पार्ट है।
तो वो तो ज़रूर आप एक एक लाइन पढ़ लेना, और मॉडर्न अथर की भी आपको एक थोड़ी सी इसकी समरी पढ़नी होगी। लेकिन इसमें जो आपको पढ़ना है वो एक तो इसके इम्पोर्टेंट लाइन्स और समरी, ये आपको पढ़नी है टेनिसन की। लेडी शेलोट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है एल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन का, तो ये भी पढ़ना है। ये हमने CCS यूनिवर्सिटी में MA में पढ़ा था, तो ये वर्क आपको ज़रूर पढ़ना है डिटेल में। क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें। देखिए एक छोटा सा रेफरेंस आपको इस वर्क का दे दूं। टिम्बक्टू, और इसने वॉन किया था देखिए इनका एक वर्क था टिम्बक्टू, सिर्फ आपको यही आपको याद रखना है टिम्बक्टू इनका एक वर्क था जिसने चांसलर अवार्ड जीता था, सिर्फ आपको यही याद रखना है ओनली टाइटल। ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। देखिए ये जो पोएम है टीयर आइडल टीयर्स, ये भी आपको पढ़नी है, ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, इसे आपको इस पोएम को भी आपको तैयार करना है। एक और बहुत ही अच्छी इनकी वर्क है क्रॉसिंग द बार, इसकी पूरी रीडिंग करनी है, ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है। देखिए आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है इन्हें मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं इनके डिटेल में आपको समझाऊं, तो आप कमेंट कर दें यस। देखिए बहुत ही अच्छा वर्क है इनका, इन मेमोरियम, ये इनका बहुत ही अच्छा वर्क है, इनका ये वर्क बहुत ही अच्छा है। ये 1850 में आया था, याद रखना ये 1850 में आया था। इसमें 132 जो हैं एलिजी हैं, इनमें 132 एलिजी हैं, और जो इसे टेनिसन ने इसे बनाया था 70 ईयर्स, 17 साल में ये वर्क जो था वो कंप्लीट हुआ था एल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन। और ये इन्होंने स्टार्ट किया था लगभग जब इनका मित्र जो इनका आर्थर हेलम था, इट इज़ एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज कॉल इज फ्रेंड आर्थर हेलम। देखिए आर्थर हेलम इनका एक मित्र था, कैम्ब्रिज फ्रेंड था इनका, इनका कॉलेज फ्रेंड था आर्थर हेलम। तो ये 70 ईयर्स इसमें लगाए थे इन्होंने, इनका जो मित्र था आर्थर हेलम, ये 1832-33 के अराउंड ये इनकी डेथ हुई थी, और इन्होंने तभी से इसे लिखना स्टार्ट कर दिया था। 1850 में ये वर्क जो था वो पब्लिश कराया गया था, याद रखना ये पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये जो वर्क है आपको फुली पढ़ना है, फुली रीडिंग इस वर्क की करनी है। ये एक एलिजी तो है ही, ये एक पेस्ट्रल एलिजी है, ये एक पेस्ट्रल एलिजी भी है, याद रखना ये वर्क जो है पेस्ट्रल एलिजी है। नेक्स्ट जो इनका वर्क है द प्रिंसेस,
ये 1847 में आया था। देखिए इस वर्क के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, जो ये वर्क है ये वुमेन के ऊपर लिखा हुआ है, वुमेन की एजुकेशन के ऊपर, वुमेन के एटीट्यूड जो सोसाइटी का था विक्टोरियन इरा का, तो उसके बारे में ये वर्क लिखा हुआ है। और एक बहुत ही फेमस लाइन है, मैन फॉर फील्ड वुमेन फॉर हर्थ, याद रखना, मैन फॉर फील्ड एंड वुमेन फॉर हर्थ। ये वर्क, ये बहुत ही अच्छी लाइन है। इसमें वुमेन के एटीट्यूड, जो वुमेन की एजुकेशन है विक्टोरियन एरा में, वुमेन की क्या कंडीशन थी और क्या इनका एटीट्यूड था एल्फा लॉर्ड टेनिसन का वुमेन के प्रति, वो सब प्रिंसेस जो इनका वर्क है 1847 में जो आया था इसमें दिखा हुआ है। सिर्फ आपको यही वर्क, यही रेफरेंस, इट विल बी मोर देन एनफ। एक इनका वर्क था ब्रोक, याद रखना, ब्रोक को भी ये भी रीडिंग करनी है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ किस वर्क में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान रखना है। इससे अलग आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से ही क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं एग्ज़ाम में और मिलेंगे भी। देखिए एक इनके बारे में बहुत ही अच्छा पॉइंट है, पोएट लॉरेट शिप इन्हें मिली थी 1850 में, जब ऑन द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये जूनियर रीडर के लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, पोएट लॉरेट शिप इन्हें मिली थी 1850 में। और सिर्फ आपको यही पॉइंट याद रखना है, द क्वीन, एक क्वीन इनका वर्क था, द क्वीन इज द फर्स्ट वर्क आफ्टर ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट, जब वे पोएट लॉरेट बने थे उसके बाद से सबसे पहला वर्क इन्होंने लिखा था वो लिखा था द क्वीन। एनोक आर्डन भी बहुत ही अच्छा इनका वर्क है। देखिए एनोक आर्डन ये बिलोंग करता है, आइडलिक क्लास, ये रूरल एरिया जो आइडलिक क्लास है उसके बारे में ये वर्क है। सिर्फ आपको इतना ही काफ़ी है। देखिए 1855 में एक वर्क आया था इनका मॉड, ये एक मोनोड्रामा था, मोड जो था एक मोनोड्रामा था, 1855 में आया था। और ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो वर्क था एल्फा लॉर्ड टेनिसन का था। सिर्फ आपको इतना ही काफ़ी है इसके बारे में पता होना चाहिए। इनका एक वर्क था मर्लिन एंड द ग्लीम, ये डब्ल्यू जे लॉन्ग में सबसे पहले ही इसका स्टेंजा दिया हुआ है, आप सिर्फ वो स्टेंजा पढ़ लेना। और इस वर्क में क्या था, एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसेस लाइफ लॉन्ग, इसका जो ये वर्क है एक्सप्रेस करता है लाइफ लॉन्ग आइडल स्पिरिट ऑफ पोएट। पोएट की पूरे जीवन की जो स्पिरिट थी वो मर्लिन एंड ग्लीम में हमें पता चलता है। सिर्फ यही आपको पता होना चाहिए, इसकी कुछ लाइंस डब्ल्यू जे लॉन्ग में दी हुई हैं वो आप कर लेना। देखिए अब मैंने आपको इतना तो आपको बता ही दिया, अब और कुछ जो रेफरेंसेस इनके, देखें देखिए ड्राम एक एज ए एज ए ड्रामेटिक राइटर ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, एज ए ड्रामेटिक राइटर वो सक्सेसफुल नहीं थे। बहुत सारे इन्होंने जैसे क्वीन भी लिखा, बहुत सारे वर्क लिखे थे एज ए ड्रामेटिस्ट, लेकिन वो फेमस नहीं हो पाए थे।
कप भी लिखा था इन्होंने, क्वीन लिखा था, मेरी क्वीन लिखा था, बहुत सारे इन्होंने वर्क लिखे थे, वो आप देख लेना, मैं आपको बता देता अगर वीडियो को, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। सिर्फ आपको इनके ड्रामेटिक वे वर्क हैं, सिर्फ आपको उनका टाइटल टाइटल याद रखना है, उनकी डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ क्योंकि ये ड्रामेटिक जो राइटर थे ही वॉज कम्प्लीटली फेलियर, वो कम्प्लीटली फेलियर थे, सिर्फ आपको उनका टाइटल याद रखना है। तो अब मैंने जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए हैं। अब अगर आपको देखिए इनके कुछ रेफरेंसेस होते हैं, इससे अलग कुछ जो रेफरेंस हैं, रेफरेंस जो हैं इनके, आपको कहाँ से करना है, जैसे डब्ल्यू जे लॉन्ग से कर लेना, टी सिंह, कैजियामिन, इनके कुछ रेफरेंस रहते हैं राइटर्स से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चन से एग्जामिनर पूछता है, तो वो आप, ये हिस्ट्री बुक्स हैं जो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट की हुई थी, डब्ल्यू जे लॉन्ग, टी सिंह और कैजामियन, इनमें जो भी रेफरेंस टेनिसन से रिलेटेड लिखे हुए हैं वो सब आप नोट कर लेना और तैयार कर लेना। इससे अलग आप एक और बुक परचेज कर सकते हैं एस के अरोड़ा की, एस के अरोड़ा की आप एक बुक परचेज कर लें, उसमें जो भी टेनिसन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं मल्टीपल टाइप, वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं, कुछ डिटेल में दिए हुए होंगे वे भी कर लेना। लेकिन ये जो टॉपिक था, ये वर्ड्सवर्थ के जो वर्क थे, जो स्पेशली जो उनकी पोएम थी, उनकी पोएम्स में आपको कौन कौन सी की डिटेल स्टडी करनी है, सिर्फ वही उसी के टॉपिक का था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ, और थैंक यू वेरी मच अभी हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से एक बार और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।